हम इस शोपीस को बनाने के लिए एक फ्यूज बल्ब लेंगे और इसके बैक साइड के ग्लास को तोड़ के हटा देंगे। इसके बाद हमें चाहिए एक फॉर्म शीट। फॉर्म शीट की मदद से हम बल्ब पे व्हाइट पेंट लगाएंगे। हमें यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का कलर का यूज करना है ताकि बल्ब से कलर जाए ना। अब हम इस बल्ब के ऊपर एक पेंटिंग बनाएंगे। आप भी अपने मनपसंद का कोई भी पेंटिंग इस पे बना सकते हैं। अब हमारा बल्ब पेंटिंग रेडी हो चुका है। पेंट होने के बाद यह कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसके बाद हमें 5x5 इंचेस के 5 ग्लास शीट्स लेने हैं। हमें 4 ग्लास शीट्स को इस तरह क्यूब की शेप में सेलो टेप की मदद से पेस्ट कर देना है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है एरेडाइट एडेसिव, ये बहुत ही हार्ड ग्लू होता है। एरेडाइट का पेस्ट बनाने के लिए हमें दोनों ट्यूब्स निकालने हैं और हर एक ट्यूब से इक्वल अमाउंट में ग्लू को बाहर निकालेंगे। फिर हमें दोनों ग्लू को जेंटली मिक्स करना है जब तक कि वो प्रॉपरली व्हाइट कलर का दिखने ना लगे। हमने जो ग्लास का क्यूब बनाया था उसके एजेस पे इस ग्लू को लगा के 12 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। 12 आवर्स हो चुके हैं और हमारा ग्लास क्यूब अच्छे से चिपक चुका है। अब हम इसके ऊपर कुछ वायर्स इस फॉर्मेट में पेस्ट कर देंगे। इसके लिए भी हमें सेम एरेडाइट का यूज़ करना है।
अब हमारा वायर भी ग्लास के साथ बहुत ही हार्ड बाउंड से चिपक चुका है। मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक ट्रे बनाया है जिसकी बाउंड्रीज ग्लास के वॉल से 1/2 इंच तक बड़े होने चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे प्लास्टिक सीट की बाउंड्रीज ग्लास से 1/2 इंच तक चारों साइड में बड़ी है। यहाँ पे मैंने कुछ ब्रिक्स के क्यूब बनाए हैं और उसे मैं ग्लास पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के लिए मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है। अब हम इसे अपने प्लास्टिक ट्रे में रखेंगे। सेंटर में होल बनाने के लिए मैं इसके बीच में एक प्लास्टिक का डब्बा डाल देने वाला हूँ। वो डब्बा इस प्रकार से मैंने काट लिया है। ये व्हाइट सीमेंट है, मैंने इसके 1 kg का पैकेट लिया है। इससे मुझे बहुत ही थिक पेस्ट बनाना है और उस पेस्ट से हम अपने ग्लास क्यूब का बेस तैयार करेंगे। अब हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है, हम उसे इस ग्लास क्यूब के ट्रे में डाल देने वाले हैं और फिर हम एक फॉर्क की मदद से उसे चारों ओर प्रेस कर देंगे ताकि बीच में कहीं भी एयर बबल्स ना रह जाए। बीच में व्हाइट सीमेंट डालने के बाद हम उसे 12 आवर्स के लिए छोड़ देंगे जिससे कि वह अच्छे से सेट हो जाए। अब 12 आवर कंप्लीट हो चुके हैं और मेरा पेस्ट बिल्कुल ही हार्ड हो चुका है। मैंने उसे प्लास्टिक ट्रे से भी बाहर निकाल लिया। हमने जो बल्ब बनाया था उसे हम अब इस होल में फिट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरा पुराना वाला बल्ब मेरे हाथ से स्लिप होके टूट गया, तो मैंने फिर से ये दूसरा बल्ब बनाया। अब मैं इसे ही फिक्स करने वाला हूँ। इस बल्ब के अंदर मैं एक LED लगाने वाला हूँ। LED के दोनों पॉइंट्स को मैंने एक USB से कनेक्ट कर दिया है ताकि मैं उसे पावर बैंक से लाइट दे सकूँ। दोस्तों अब हमारा ये क्यूब बनकर तैयार हो चुका है। मैं इसमें सिर्फ वाटर डालने वाला हूँ। मैं इसमें किनले डालने वाला हूँ, हम इसमें नॉर्मल वाटर नहीं डालेंगे क्योंकि उससे रस्ट लग जाता है। आप भी इसमें कोई भी RO वाटर डाल सकते हैं। मैं इसमें वाटर डाल रहा हूँ, हम इसमें लेवल तक भर देंगे। वाटर को थिक करने के लिए हम इसमें ग्लिसरीन डालेंगे।
दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और हमारे चैनल आर आर वाइज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ।